You're watching Exposed India. ये नज़ारा है अजमेर के सावित्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में बैठी ये छात्राएं पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात सुन रही हैं। यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आने वाली परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि परीक्षा को उत्सव की तरह मनाएं, ना कि इसे जीवन मरण का सवाल बनाएं। पीएम मोदी ने छात्रों को स्माइल मोर स्कोर मोर का मंत्र भी दिया। सावित्री सीनियर स्कूल की इन छात्रों ने इस मंत्र को समझने के साथ साथ अपने जीवन में लागू करने का निश्चय भी किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। उस बुक का नाम ही है कि एग्ज़ाम एक वॉरियर योद्धा की तरह, जैसे एक योद्धा रण क्षेत्र में कभी भी तैयार रहता है एक लड़ाई के लिए, वैसे ही आप भी एग्ज़ाम के लिए वैसे ही तैयार रहे। हर दिन ऐसे मेहनत करो जैसे आपको आज ही एग्ज़ाम देना। अगर आप साल भर ऐसे ही मेहनत करते हो कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो मैं नहीं सोचती कि आपको लास्ट टाइम पर ऐसे कोई टेंशन वगैरह होगी। आपके टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप उसी को उसी वक्त याद कीजिए, उसी दिन याद कीजिए। वैसा ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी मानना है कि योद्धा की तरह एक एग्ज़ाम को लीजिए, टेंशन फ्री रहिए जैसा आता है, क्योंकि हम साल भर उस पेपर के लिए तैयारी करते हैं। अगर वो पेपर ढंग से हम नहीं दे पाते हैं टेंशन की वजह से, अगर हमें आता है और हम टेंशन की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे नंबर बुरे आते हैं, फिर हमें टेंशन होती है, फिर जो केसेस वगैरह हम देखते ही हैं न्यूज़पेपर्स में आते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री भी बस यही कहना चाहते हैं कि बच्चों, क्योंकि वो जानते हैं कि युवा आएंगे तभी देश का उद्धार होगा, देश आगे बढ़ेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि युवाओं के माध्यम से वो अपनी बात को सबके सामने लाएं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही छात्रों के लिए एग्जाम वॉरियर नामक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने परीक्षा के लिए 25 मंत्र बताए हैं, इससे छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ेगा। इस किताब में पीएम मोदी ने ये संदेश दिया है कि परीक्षा कोई हवा नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर पीएम का ये संदेश अजमेर के विद्यार्थियों के साथ पूरे देश के युवाओं के काम आएगा। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।